नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज अपडेट में। आज हमने फिर से लोगा बिहोता में विजिट किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते चलूं, पीएमएवाई के तहत जो भी हमारे पीएम बेचारे वो मकान देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि हम इस घर की कंडीशन आपको दिखाएंगे कि इस घर में कोई इनकम सोर्स नहीं। पहले हम इस घर का विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितने कमरों में ये लोग रहते हैं और किन किन मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। एक्चुअली मकान केस तो इन लोगों के लिए चाहिए, इन गरीबों के लिए मकान केस चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को कमीशन पर देते हैं, लेकिन कमीशन दे के भी इन लोगों को नहीं दिया। एक वही मैंने एक पंचायत देखी जिसमें एक मकान केस भी नहीं। चले पहले अंदर कंडीशन देखेंगे यहाँ की, ये बेचारे कहाँ रहते हैं। आपको पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि पक्का घर भी नहीं है, मिट्टी का घर है। अंदर देख सकते हो आप, ये कमरा है इनका, वहाँ पे ये चूल्हा जलाते हैं, अपना खाना वाना वहाँ बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। यहाँ तक इन लोगों को गैस भी, वो जो फ्री की गैस प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री की गैस भी प्रोवाइड नहीं की गई। तो चलिए हम और भी रुख करेंगे, फिर सीधा उनकी तरफ रुख करेंगे और यहाँ के जो लोकल हैं उनको भी पूछेंगे कि क्या कंडीशन इन लोगों की है, ये खस्ता हालत क्यों है। देख सकते हो आप, ये कंडीशन है, यहाँ पे ये चाचू रहते हैं, क्या कंडीशन है, इन पे सोते हैं ये, क्या मकान किस इन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या मकान किस बिल्डिंग वालों को ही मिलना चाहिए, क्या गरीबों के लिए मकान किस नहीं है। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले अंकल और आंटी क्या कंडीशन है इस दौर में, बेचारे कैसे जी रहे हैं, बाहर इस वक्त हैं। फिर हमने गांव वालों को बोला कि आप ज़रा इधर आ जाएं, आप हमसे बात करें, क्योंकि ये पैरालाइज हैं, बात नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कि कंडीशन इनकी क्या है, मकान केस इन बेचारों को दिया जाना चाहिए, मकान केस इन लोगों के लिए बना है, इन लोगों को देना चाहिए, वो नहीं कि जिनको 10-10 छत 5-5 छत बिल्डिंगें हो उन लोगों को मकान केस देते हैं। देख सकते हो कितने परेशान हैं, दो बच्चे इनके हैं, वो पता नहीं कहाँ मजदूरी पे होंगे, लेकिन तब भी घर की कंडीशन हमने आपको दिखा दी पीएमएवाई के तहत, क्यों नहीं इन लोगों को मकान केस दिया गया। अगर ऊपर से पीएम दे रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं दे रहे, मेंबर सरपंच क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरा एक सवाल है। और इनसे चले पहले लोकल से बात करेंगे। जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिबीर अहमद है, मैं इस पंचायत का वार्ड मेंबर हूँ। अच्छा, वार्ड मेंबर हो जी। मेंबर साहब, आप मुझे बोलें क्या पीएमवाई के तहत इनको मकान नहीं दिया जाना चाहिए? इनको बिल्कुल दिया जाना चाहिए। जब भी हमने कोई एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, वो कहते हैं इसकी साइट नहीं बनी, इसकी आईडी नहीं खुली। सर, इसकी आईडी कब तक खुलेगी? तब तक इनकी साइट बंद हो जाएगी, इन बुजुर्गों की साइट बंद हो जाएगी। अब ये साइट वाइड, ये सैक आईडी वगैरह, ये बनाना तो ब्लॉक डिपार्टमेंट का काम है। ये तो डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम है सिर्फ इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना। और हमने कंटिन्यू ये काम करते आए और आज भी करते हैं। हमने इनके साथ बड़े बड़े दावे किए, हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, आपकी हालात बदलेंगे, लेकिन अब तक ये हालात नहीं बदली। यहाँ पर इन्होंने अभी तक डीडीसी भी चुना, बीडीसी भी चुना, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े लीडरशिप यहाँ की है, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन अब तक कोई भी हालात अभी तक इनकी नहीं बदली। जो हमारे डीडीसी साहब है, उसका क्या नाम है यहाँ का? उसका नाम मुश्ताक भट्ट साहब है। मुश्ताक भट्ट साहब, हाँ। तो वो उनने देखा है इनको इस कंडीशन में? ये तो सर यही जानते हैं, इनके पास आया है वो, नया नहीं आया, मैं थोड़ी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो यही जानते हैं, उनके पास आए। अलबत्त हम इनके पास बार बार आए हैं कि हम आपकी हालात बदलेंगे, हमने इनसे वोट भी लिया, हम यहाँ के मेंबर बने, लेकिन हम अभी तक नहीं बदल सके, हम इनके पास शर्मिंदा हैं। ये वीडियो तक भी बोला आपने? ये वीडियो एसीडी साहब के पास बोलते हैं साइट बंद है, आईडी बंद है, आईडी बंद है। खासकर हमारी पंचायत की, पूरे स्टेट जम्मू कश्मीर में सब जगह मकानों के केस मिले हैं, दो दो किस्तें पड़ गई हैं, कहीं कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन हमारी पंचायत में साइड बंद है। आपकी पंचायत में क्या कोई मकान केस नहीं दिया आपकी पंचायत में? कोई भी, जीरो प्रोग्रेस है इसमें पीएमएवाई में। हमने जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिक्वेस्ट की, बोलते हैं अभी साइट नहीं खुली है। हमारी साइट कब खुलेगी इस पंचायत की, या कहाँ रुकावट है, हमें कोई मालूम नहीं अभी तक। अच्छा, आपका डिमांड आपकी रहेगी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? हम एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कहना चाहते हैं पूरी तौर पर हमारे वो जो पीएमएवाई केस है उनकी साइट खोली जाए, जो भी कोई रुकावट उसको देखा जाए, तो इन गरीबों तक इमदाद पहुँच जाए, ताकि हम इनके पास कुछ जवाब दे सकें। डीडीसी का क्या नाम बोला था आपने? मुश्ताक भट्ट साहब। मुश्ताक भट्ट साहब, आपके काफ़ी इंटरव्यू हमने देखे हैं, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपने देखी है, जिस हिसाब से आप मेंशन करते हैं कि हम ये डेवलपमेंट करते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं, हमने तो आपके ही पंचायत में विजिट किया, देख सकते हो कि आपकी डेवलपमेंट क्या है। अगर आपको चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट करनी, इन घरों को डेवलपमेंट करनी, और साथ ही आपको यहाँ के जो मेंबरों ने सरपंचों ने वहाँ तक बात पहुँचा ही, आप लोगों ने यहाँ तक बात पहुँचाई, इनकी बात को
यहाँ के सरपंचों को चाहे, यहाँ के वीडियोस को चाहे, वीएलडब्ल्यूओस को चाहे कि फौरन से फौरन इन्हें मकान केस दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीएमवाईए के तहत जो भी मकान केस दिया जाना चाहिए ऐसे गरीबों को देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इस पंचायत में किसी को मकान केस नहीं है। यहाँ के मेम्बरों सरपंचों से हमने बात की, वो इतना मतलब यही हमें बोलते हैं कि साइड बंद है। अगर साइड, अब क्या पूरे जम्मू कश्मीर में यही मरम्मत एरिया है साइड बंद होने के लिए? बाकी जगहों में हमने विजिट किया जहां पे दो दो चार चार किस्तें बच चुकी, दो दो किस्तें भी दे दी, लेकिन इस एरिया में पूरे मरम्मत पंचायत में लगभग कोई किस्त नहीं दी गई, कोई मकान केस नहीं रखा गया। क्या इस पंचायत के लिए मकान केस नहीं है? मेरी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है कि जल्द से जल्द इन गरीबों को देखा जाए, इन गरीबों को एक मकान प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो स्टेट लेवल से जो स्कीम आती है वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। जैसे डीसी साहब है, डीसी साहब को देखना चाहिए, उन्हें वाच करना चाहिए कि हमने अगर एक ब्लॉक में एक वीडियो को रखा है, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है? वीडियो को चाहिए, अगर हमने वीएलडब्ल्यू पंचायत में रख रहा, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है? लेकिन यहाँ पर हमने पंचायत में विजिट किया, 1947 में भी ये लोग जी रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा? तो आप जुड़े रहें फिर जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के लिए। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।